तो आपने वीडियो के इंट्रो पार्ट में देख ही लिया होगा कि हम लोगों को इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो सिंपली आप लोगों को सर्च कर लेना है 3D पेंट। 3D पेंट ओपन करेंगे, इस तरीके का हम लोग क्यूब बनाने वाले हैं, एक 3D क्यूब, एक अमेजिंग सा एनिमेशन के साथ। तो उसको के लिए क्या करना है, आपको 3D पेंट ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको 3D शेप्स में आ जाना है, न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है, उसके बाद 3D शेप में आएंगे और एक 3D शेप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही 3D शेप हमारा ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद 3D शेप के बाद उसको आपके बाद उसको लेना है, कोई कलर सेट कर लेना है, इसका एक ब्लैक कलर कर लेना है हम लोगों को 3D शेप के अंदर। उसके बाद 2D शेप लेना है, 2D शेप ड्रॉ करना है उस 3D शेप के अंदर में, इस तरह से जो इसका आउटलाइन फिल कर लेना है वाइट कलर से, मैं पहले कर ले रहा हूँ, उसके बाद वाइट कलर से उसका आउटलाइन भी, लाइन टाइप उसका भी वाइट कलर से। फिर सिंपली उसके बाद क्या करना है, फिर 2D शेप लेना है उसको, फिर उसके बाद रोटेट करना है आपको, ऐसे करके रोटेट करना है 90 डिग्री। रोटेट किए फिर उसके बाद लेना है हम लोगों को 2D शेप, 2D शेप लेना है, उसके अंदर में ड्रॉ करते जाना है, रोटेट करना है आप लोगों को। रोटेट करने के बाद 2D शेप, 2D शेप अंदर में ड्रॉ करना है, उसका लाइन कलर दूसरा कलर चेंज करते जाना है, हर बारी आपको चेंज कलर करते जाना है इस तरीके से हर साइड से। फिर से उसके बाद उसको रोटेट करना है, इस तरीके से रोटेट करते जाना है हर साइड से आप लोगों को। मैं फास्ट कर ले रहा हूँ, आप लोगों को ही फास्ट करते जाना है, रोटेट करते जाना है 90 डिग्री। उसके बाद अलग अलग कलर से सिंपली आप लोगों को कलर करते जाना है सब साइड से। अब सब डायरेक्शन का हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को अप साइड का करते जाना है, पूरा सबको कलर करते जाना है, वो भी अलग अलग कलर से कलर करना है, सेम कलर नहीं रखना है, सबका अलग अलग। टॉप से भी देख लेना है, उसके बाद टॉप से हम लोग कलर करते जाएंगे, टॉप से कलर कर लीजिए, ये हमारा कलर नहीं हुआ है इसलिए इसका आउटलाइन भी लाइन टाइप दोनों को अलग अलग कलर से फिल करते जाना है। ये मैं ये वाला ले लिया, फिर इसको भी ये कलर लिया। अब देख लेना है सब साइड से 3D व्यू पे जाके, तो हमारा क्यूब एक साइड का बन गया लगभग। उसके बाद सिंपली इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है और थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में रख देना है। अब इसके बाद इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट का यूज़ करते जाना है, कॉपी करना है आपको देन पेस्ट करना है। जैसे फर्स्ट में बढ़ाया गया इसको डिलीट कर देना है, फिर यहाँ से कॉपी, फिर उसके बाद देन पेस्ट, फिर इसको आगे पकड़ के आगे खींच लेना है, फिर उसके बाद कॉपी, फिर उसके बाद पेस्ट। नहीं हुआ तो एक बार और आपको कॉपी करना है, ऐसे एक बार में नहीं हुआ तो दो बार आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, कॉपी फिर पेस्ट देन, ये दोनों को फिर दोनों को क्या करना है, तीनों को फिर तीनों को सिलेक्ट वाले टूल के से सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद कर देना है देन ग्रुप कर देना है। अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ आता है तो 2-3 बार आपको देखना है, इसको 2 बार देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉपी फिर पेस्ट, इसके बाद नीचे इसको रख देना है, देन फिर उसके बाद इसको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, फिर कॉपी फिर पेस्ट, फिर इसको नीचे पे अरेंज कर देना है। अब तीनों को एक साथ सिलेक्ट करना है, तीनों को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद क्या कर देना है, ग्रुप कर, 3D व्यू में एक बार देख लिए, अब उसके बाद तीनों को फिर से सिलेक्ट किए देन ग्रुप कर देना है। तो हमारा पूरा एक पार्ट्स कवर हो गया, इस तरीके से हमने बना लिया है। फिर से इसको कॉपी पेस्ट का यूज़ करते जाना है, ग्रुप होने के बाद कॉपी फिर पेस्ट, एक भी पार्ट वीडियो को मिस नहीं करना है वरना नहीं बनेगा आपका क्यूब। ये सिलेक्ट किए, कॉपी फिर पेस्ट, ये इसको अरेंज कर देना है, फिर अच्छे से इसको पकड़ के 3D व्यू से आगे खींचना है और थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज कर देना है। ये हमारा 2 पार्ट बन गया। फिर से इस बार कॉपी फिर पेस्ट, इसको खींच के देखते हैं, हमारा नहीं आया एक बार में नहीं आया तो फिर से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी किए यहाँ से फिर पेस्ट किए, फिर इसको पकड़ के आगे खींच लिए, हमारा देखो तो हमारा 3D क्यूब बन के रेडी हो गया है। बस हम लोगों को फिर से सिलेक्ट करना है और तीनों शेप को ग्रुप कर देना है, देन तीनों को क्या कर दिए, ग्रुप कर दिए 3D व्यू में, देखते हैं एक बार। अब हमारा क्यूब रेडी है, घुमा के इस तरीके से देख दे लेना है, इस तरीके से ऊपर से भी नीचे से भी और टॉप से भी हम लोगों को रोटेट करके देख सकते हैं। टॉप से रोटेट करके देखते हैं तो इस तरीके से एंगल डिग्री में फिर इसको रोटेट किए तो इस तरीके से घुमा के देख सकते हो, हमारा क्यूब परफेक्ट रेडी है, पूरा इस तरीके से रेडी हो गया। आपको वीडियो को अच्छा से देखना है, एक एक स्टेप को देखना है और फॉलो करते जाना है। कैनवास को हाइड कर देते हैं, हमारा जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा था अब ज़्यादा क्लियरली पता चला, जो हमारा कैनवास ऑप्शन था व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड था वो हारा हट गया है। देन इसके बाद आपको थोड़ा सा रोटेट कर देना है इसको अच्छा से, 2-3 कलर दिखाई देता रहे। इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल एस बटन पे प्रेस कर देना है, जैसे कंट्रोल एस करते हैं इसको वीडियो फॉर्मेट में सेव कर देना है। आपको जो एनिमेशन लगाना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है एनिमेशन का, जो एनिमेशन लगाना रहेगा यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये एनिमेशन लगा के देखता हूँ, फिर ये वाला एनिमेशन, तो कुछ इस तरीके से होगा, देख सकते हो आप लोग, जो एनिमेशन अच्छा लगता है आपको उस एनिमेशन को लगा लेना है। सिंपली मैं ये वाला रख ले रहा हूँ। फिर इसको स्पीड मीटर है, यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फास्ट होगा, स्लो करेंगे तो धीरे धीरे हमारा क्यूब जो है एनिमेट करता रहेगा। तो स्लो वाला कर लेना है आपको, वेरी स्पीड मीटर को स्लो कर देना है और इसका टाइमिंग 60 सेकंड रख देना है, तो आपका धीरे धीरे एनिमेट करेगा आपका क्यूब। तो इस तरीके से आप लोगों को एक क्यूब बना लेना है, ये बेस्ट है एनिमेशन के साथ।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।